टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है। 26 जून से देश भर में नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू हो गया है। ये कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था। इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक आजीवन 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम यूज करते पाया गया तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा और गलत तरीके से सिम लेने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल टेलीकॉम कानून के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड कर सकेगी, साथ ही साथ आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी। बता दें कि पुराने कानून में कई बदलाव करते हुए सरकार ने कई सारी पावर को अपने पास रखा है, जैसे कि इमरजेंसी के समय सरकार किसी भी टेलीकम्युनिकेशन के सर्विस या नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले सकती है। इसके साथ साथ सरकार की इजाजत के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी टावर लगाए जाएंगे। नए नियम में क्या क्या होगा ये भी जान लीजिए। आजीवन 9 सिम कार्ड ले सकेंगे भारतीय नागरिक। 9 से ज्यादा सिम लेने पर 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। फर्जी तरीके से सिम लेने पर 50 लाख का जुर्माना होगा। 3 साल की जेल तक का प्रावधान भी है। अब प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज पाएगी कंपनी। मैसेज भेजने से पहले ग्राहक से लेनी होगी अनुमति। नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में सरकार ने स्पैम कॉल्स की समस्या को गंभीरता से लिया है। इसी के चलते लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को सख्त कदम उठाने होंगे और उपभोक्ता के समस्या का हल भी निकालना अनिवार्य होगा।